नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं देश दुनिया की 100 बड़ी खबरों का। राज्यों में मानसून का इंतजार, अब तक सभी राज्यों में छू लेता था। कश्मीर में बिना मानसून दोगुनी बारिश। वायनाड में राहुल के ऑफिस पर हमला, कांग्रेस का आरोप, एसएफआई के हमलावरों ने स्टाफ को भी पीटा। SC ST एक्ट पर अहम फैसला, कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा पब्लिक प्लेस पर दुर्व्यवहार नहीं हो तो यह कानून लागू नहीं होगा। कॉलेज में हुई छात्रा की मौत पर NCERT का फैसला, कॉलेज मृतक के परिजनों को देगा 25 लाख का मुआवजा। प्रेम प्रसंग में TI ने SI को गोली मारी, इंदौर के पुलिस कंट्रोल रूम में महिला अफसर को गोली मारी, फिर भोपाल के TI ने की खुदकुशी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पंजाबी सिंगर मनकीरत औलख को पंजाब पुलिस की क्लीन चिट, बम्बीहा गैंग ने लगाए थे आरोप। पीएम मोदी आज जर्मनी के लिए होंगे रवाना, पेंटागन सचिव किर्बी बोले हमारा मकसद सभी को एकजुट करना। चंबल में मतदान शुरू होने से पहले ही युवक की गोली मारकर हत्या, वेटिंग के बीच गांव में पसरा सन्नाटा। सेना को कुछ होता है तो मुंबई जलती है हाई अलर्ट पर, पुलिस शिव सैनिक बढ़ा सकते हैं सरकार की मुश्किलें। देश में कोविड पॉजिटिविटी रेट 4.32% पहुंचा, 5 राज्यों में पॉजिटिव रेट 8% से अधिक। बीते 24 घंटों में 15,789 नए केस। उद्धव ठाकरे ने बुलाई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, 16 बागी विधायकों को आज नोटिस भेजेगी शिवसेना। यशवंत सिन्हा ने मोदी और राजनाथ से मांगा समर्थन, आडवाणी से आशीर्वाद, सोमवार को भरेंगे नामांकन। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी से असंतुष्ट विपक्ष, CPM बोली बेहतर हो सकता था। शारदा घोटाले के मुख्य आरोपी का दावा, शुभेंदु अधिकारी के लिए पैसे, TMC बोली तुरंत गिरफ्तार करे CBI। कर्नाटक के बेलगावी जिले के में शर्मनाक घटना आई सामने, गटर में बहते मिले 5 डब्बे में बंद भ्रूण, पुलिस ने किया मामला दर्ज। मुलायम सिंह यादव की बिगड़ी तबीयत, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती। राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार का समर्थन करेंगी मायावती, विपक्ष पर बोला हमला। सीतापुर में 4 शिक्षकों पर मुकदमा, फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर बना शिक्षक, 4ों से वेतन की होगी रिकवरी। बांदा में क्लास 3 के छात्र ने सुसाइड किया, माने पढ़ाई को लेकर डाटा तो किताबें, लेकर कमरे में गया वही गमछे में लगा ली फांसी। एटा में पूर्व सपा विधायक की करोड़ों रुपए की संपत्ति जब्त, उनके भाई की 33 बीघा जमीन कुर्क।
गाजीपुर में ग्राम प्रधान की अनूठी पहल, नव निर्मित सार्वजनिक शौचालय को दिया ट्रेन के डब्बे जैसा लुक, नाम दिया स्वच्छता एक्सप्रेस। बरेली में अनफिट वाहन मिले तो स्कूल की मान्यता होगी रद्द, प्रशासन ने स्कूली वाहनों के फिटनेस की जांच के दिए आदेश। इटावा में 72 घंटे में 3 मर्डर का एक भी नहीं खुलासा, जिले में अलग अलग 3 हत्याओं का पुलिस खुलासा नहीं कर सकी। गाजियाबाद में कटहल खराब निकलने पर सब्जी विक्रेता की हत्या, खराब कटहल को वापस करने से किया था मना। बढ़ सकती है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फीस, एकेडमिक काउंसलिंग की बैठक आज, फीस वृद्धि, 10 नए इंटीग्रेटेड कोर्स शुरू करने पर होगी चर्चा। चंदौली में पंचायत सचिव ने नहीं कराया पंचायत भवन का निर्माण, डीपीआरओ ने किया निलंबित। आगरा में पत्नी हत्या का वीडियो वायरल, चौथी मंजिल से फेंका फिर पति आकाश ने हाथ की रस्सी और गले में फंसा दुपट्टा हटाया। जौनपुर में हुए सिलेंडर रिसाव में हुई चौथी मौत, बीएचयू में भर्ती बेटे की हुई मौत, पिता की हालत नाजुक। मेरठ में बाइक टकराने पर फायरिंग, 2 को गोली लगी, पुलिस शिकायत की तो आरोपी पक्ष ने घर में घुसकर बोला हमला। मऊ के एएनएम टीकाकरण में ले रही 10-20 रुपए, सरकार निःशुल्क चला रही अभियान, संविदा पर तैनात है नर्स। जीत को लेकर आश्वस्त है आजम, फिर भी सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार जताई, मतगणना में धांधली की आशंका। वाराणसी में सगी भांजी को ब्लैकमेल कर रेप करता रहा कलयुगी मामा, शादी के बाद खुली पोल। कन्नौज के पास देर रात एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस बना आग का गोला, बाल बाल बचे 70 लोग। बाराबंकी में अग्निवीर योजना के समर्थन में युवा, कहा 4 साल क्या 4 दिन के लिए भी सेना में जाने को तैयार। कानपुर देहात में बाइक सवार बदमाशों ने कृषि विभाग के कर्मी को लूटा, बदमाशों की तलाश में पुलिस। गोरखपुर में पत्थरबाजों से निपटेगी स्पेशल टीम, एंटी राइट फुल बॉडी प्रोटेक्टर रिक्रूटमेंट में लैश हुई यूपी पुलिस। बदायूं में बस स्टैंड पर मिले 3 मासूम, माता पिता का नाम नहीं बता पा रहे, अब सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल। बिजनौर में शराब पीने के विवाद के चलते युवक की पिटाई, शराब पीकर नाच रहे थे तभी हुआ विवाद। पंद्रह बिल्डर और 13 संस्थागत आवंटितों को नोटिस जारी, 3,000 करोड़ रुपए की होनी है वसूली। मेरठ में युवक की पीट पीट कर हत्या, शरीर पर मिले 50 से ज्यादा डंडों के निशान। यूपी पुलिस पर भड़के बीजेपी सांसद, बोले ब्रजभूषण शरण सिंह जिसने की शिकायत उसे कैसे लेकर थाने चले गए।
मेरठ लकड़ी की दुकान में लगी भयंकर आग। आग इतनी तेज थी कि 6 गाड़ी फायर ब्रिगेड बुलाई, तब पाया गया आग पर काबू। झांसी में गर्भवती को ट्रेन के नीचे आने से बचाने का वीडियो वायरल, चलती ट्रेन से चढ़ते वक्त गिरी सिपाही ने 9 सेकंड में बचाया। गाजियाबाद में दुकान में आग से 6 झुलसे, किराना स्टोर में गैस सिलेंडर रिफिलिंग करते वक्त दर्दनाक हादसा। यूपी में 21 अफसरों के ट्रांसफर, सीतापुर, मऊ, सोनभद्र, सिद्धार्थनगर और सुल्तानपुर के पुलिस कप्तान बदले गए। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने दिया बड़ा बयान, यात्रियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य। विकास की नब्ज टटोलने के लिए जिलों में प्रवास करेंगे मुख्यमंत्री, धामी आज उधम सिंह नगर के दौरे पर। मंत्री सचिव विवाद प्रकरण से प्रदेश सरकार भी हुई असहज, मुख्य सचिव से मिले कुर्वे। एम्स ऋषिकेश की नई निदेशक नियुक्त की गई, प्रोफेसर मीनू सिंह, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई जिम्मेदारी का आदेश। हाईकोर्ट से नहीं मिली यादव को राहत, सरकार को 19 जुलाई तक कोर्ट में शपथ पत्र पेश करने का आदेश। उत्तराखंड तबादले पर तनातनी, खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने तलब की सचिव की, एसीआर सीएम धामी तक पहुंचा मामला। गाइड ने राफ्टिंग पैडल को पीटा, पर्यटक का सिर फटा, 3 नामजद सहित 15 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। उत्तराखंड में अनाथ बच्चों के आयुष्मान कार्ड बनवाएगी सरकार, जुलाई में आयोजित होगा राज्य स्तरीय चिंतन शिविर। निमंत्रण देकर बारात में नहीं ले जाने पर टूट गया दिल, दोस्त ने दूल्हे को मानहानि के लिए भेजा 50 लाख रुपए का नोटिस। उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड पर कमेटी 6 महीने के अंदर सरकार को सौंपेगी रिपोर्ट, गृह विभाग ने जारी की गाइडलाइन। शंकराचार्य से आशीर्वाद लेने हरिद्वार पहुंचे यूपी के मंत्री, त्रिधर्मपाल ने कहा कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का अभिन्न अंग है। उत्तराखंड में फिर बढ़ी बिजली की मांग, सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे ग्रामीण इलाके। देहरादून नगर निगम ने फ्लैट मालिकों को भेजा नोटिस, एमडीडीएन से भी आवासीय योजनाओं का मांगा ब्यौरा। अल्मोड़ा के दनिया में संदिग्ध परिस्थितियों में व्यक्ति की मौत, शराब में मौत होने की आशंका। विकास नगर दिल्ली में यमुनोत्री राष्ट्रीय मार्ग के क्षतिग्रस्त, सड़क सुधारीकरण नहीं होने से आक्रोशित लोगों ने किया प्रदर्शन। नार्वो के ओस्लो में नाइट क्लब में फायरिंग, 2 की मौत, कई घायल। ग्वादर में चीन बना रहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सितंबर 2023 तक हो जाएगा तैयार।
चीन ने फिर भरी कंगाल, पाकिस्तान की झोली दिया 2.3 अरब डॉलर का नया कर्ज। भारत से निर्णायक बातचीत चाहता है पाकिस्तान, कहा सेना की कार्रवाई से खराब हुआ माहौल। भगवान का फैसला, यूएस में अबॉर्शन के अधिकार को खत्म करने वाले कोर्ट के निर्णय पर बोले डोनाल्ड ट्रंप। यूरोपीय परिषद ने यूक्रेन को 9 बिलियन यूरो की मदद देने का ऐलान किया। यूक्रेन सेना ने रूसी के SU-25 एयरक्राफ्ट को मार गिराया। मस्क की ट्रांसजेंडर बेटी को नाम बदलने की मिली इजाजत, कोर्ट ने कहा नया बर्थ सर्टिफिकेट जल्द होगा जारी। अमेरिका में गर्भपात अब संवैधानिक अधिकार नहीं, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने 49 साल पुराना फैसला पलटा। आदेश के बाद जगह जगह प्रदर्शन। गायब हो जाएगा जापान, एलन मस्क ने की भविष्यवाणी, बोले धर्म से दूर होने से घट रही दुनिया की आबादी। रूस ने रोका पाकिस्तानी फ्लाइट का रास्ता, क्लियरेंस फीस नहीं चुकाए तो एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं करने दिया जाएगा, बदलना पड़ा रूट। देश में रफ डायमंड का इंपोर्ट 19% गिरा, रूसी हीरे पर पाबंदी से 25,000 कारीगर बेरोजगार। भारत NCAP को मिली मंजूरी, सरकार की क्रैश टेस्ट रेटिंग तय करेगी कार कितनी सेफ, नितिन गडकरी ने दिया अप्रूवल। ओला ने यूज्ड कार और डिलीवरी बिजनेस किया बंद, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पर करेगी फोकस। सिल्वर ETF की शुरुआत फीकी, देश के सभी 6 सिल्वर ETF में अब तक निवेशकों को नुकसान। कश्मीर के टीचर ने बनाई सोलर कार, हॉलीवुड फिल्म बैक टू द फ्यूचर की कार जैसा है लुक। RBI ने सरकारी बैंक IOBC पर 57.5 लाख रुपए का लगाया जुर्माना, बैंक ने धोखाधड़ी से संबंधित नियमों का नहीं किया अनुपालन। शिवसेना के पूर्व विधायक की चीनी मिल की 78 करोड़ की संपत्ति अटैच, बैंक का पूर्व प्रबंधक निदेशक गिरफ्तार। शहबाज शरीफ का ऐलान, पाकिस्तान के बड़े उद्योगों पर लगेगा सुपर टैक्स। फुटबॉल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ बियॉन्से ने की NFT डील, NFT की दुनिया में कदम रखेंगी बियॉन्से। क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आया सुधार, बिटकॉइन समेत पॉपुलर टोकनों में बढ़त। बेस्टो ओवरटन ने तोड़ा 62 साल पुराना रिकॉर्ड, दोनों ने इंग्लैंड की ओर से 7वें विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी की। शुभमन गिल दूसरी पारी में भी फेल, टीम इंडिया ने लीसेस्टरशायर पर बनाई 82 रनों की बढ़त। मुंबई के खिलाफ शतक ठोककर यश दुबे ने सिद्धू मूसेवाला को किया याद, KL राहुल के अंदाज में मनाया जश्न।
वेस्टइंडीज ने दूसरे टेस्ट में भी कसा बांग्लादेश पर शिकंजा, पहले दिया दिन बनाया दबदबा। अपने ही कोच का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स, टेस्ट में 100 छक्के लगाने वाले तीसरे बल्लेबाज बने। बार्सिलोना की लेवनाडोस्को को 330 करोड़ की पेशकश, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बुलाने का प्रयास कर सकता है जर्मन क्लब बायर्न। मिचेल ने लगातार तीसरे टेस्ट में जमाया शतक, पहली पारी में न्यूजीलैंड की टीम 319 रन पर सिमटी स्पिनर जैक लीच के लिए 5 विकेट। शमी के शानदार सेलिब्रेशन का वीडियो वायरल, काउंटी टीम से मैच के दौरान शमी ने पुजारा को बोल्ड किया। रणजी फाइनल में एमपी बढ़ते करीब, यश दुबे और शुभम शर्मा ने जमाई सेंचुरी, रजत पाटीदार भी अर्धशतक बनाकर खेल रहे। श्रीलंका के बिजली संकट में फंसे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी अंधेरे में डिनर को लेकर पैंट कमिंस ने शेयर किया फोटो। शाहरुख खान की इंडस्ट्री में 30 साल हुए पूरे, यशराज फिल्म में रिलीज किया पठान का मोशन पोस्टर, 2023 को रिलीज होगी फिल्म। साल के ओडिसी एक्टर रायमोहन परिदा ने की आत्महत्या, उड़िया समेत बंगाली इंडस्ट्री में किया है काम। तारक मेहता के मेकर्स ने नेहा मेहता के आरोपों को बताया झूठा, एक्शन लेने की चेतावनी के साथ दे दी नसीहत। टाइम पास डे होना चाहिए मेरा बर्थडे, एसी में रहने की आदत छोड़नी जरूरी, बोले रणवीर सिंह। 150 साल तक जीना चाहते थे माइकल जैक्सन, 12 डॉक्टर्स की टीम साथ रखने के बाद भी नहीं बचा सके जान। मोस्ट अवेटेड फिल्म शमशेरा का ट्रेलर हुआ रिलीज, 4 साल बाद बड़े पर्दे पर दिखेंगे रणबीर कपूर। आलिया भट्ट से शादी के बाद बोले रणबीर कपूर, वो मेरी लाइफ में दाल तड़का चावल और अचार जैसी है। साउथ अभिनेता नंदमुरी बालकृष्णन हुए कोरोना संक्रमित, फैंस ने की जल्द ठीक होने की कामना। कार्तिक आर्यन को भूषण कुमार ने गिफ्ट की मैकलॉरिन जीटी स्पोर्ट्स कार, एक्टर बोले खाने के लिए नया टेबल मिल गई। रैपर रफ्तार पत्नी कोमल से शादी के 6 साल बाद लेंगे तलाक, 5 साल डेट करने के बाद 2016 में की थी शादी। दुनिया की 100 बड़ी खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।